घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप घर बैठे हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं, जिसमें कि ऑडियो क्लिप्स होती हैं जिनमें जो गुरु हैं, जो एक्सपीरियंस कलाकार हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग गाते हैं, उनके बाद आप रिपीट करते हैं, तो ख्याल आपको वहाँ सीखने को मिलते हैं, गीत आपको सीखने को मिलते हैं। तो कूपन कोड और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखिए, डाउनलोड कीजिए और सीखिए। संगीत का भी अपना शास्त्र है, उसके भी अपने नियम हैं, कायदे हैं कुछ, और उसकी कुछ बातें हैं जो कई जो पढ़ाई भी करते हैं संगीत में, तो उनके पास अपनी डिग्री होती है और उस डिग्री में उनको क्या थियोरेटिकल नॉलेज बहुत होता है ना, पर हो सकता है उनको उतना प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। और कई ऐसे संगीतकार हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है बट थ्योरेटिकल उनको इतनी चीजें पता नहीं है, है ना, कि उसका क्या गणित है, क्या हिसाब है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ वो संगीत को समझ लेंगे। आपने कोई तिहाई ली, आपने गायकी चल रही है, आप राग चल रही है और उसमें कोई आलाप लिया, उसकी कोई तिहाई लेके आप बहुत बढ़िया बढ़िया सम पे ला सकते हैं, लेकिन आपसे बस कोई पूछ ले कि इसका हिसाब क्या था तो नहीं पता, नहीं पता है ना। ऐसी भी कई होते हैं और कई होंगे जिनके पास हिसाब बहुत बढ़िया है लेकिन वो गा नहीं सकते, वो वैसा बना नहीं पाए, वो आपको बना के बता देंगे ये चीज है शास्त्रगत चीजें कि भाई ये तिहाई होती है, यहाँ से उठाओगे इतनी मात्रा में इतनी आएगी, है ना, यहाँ से लोग इतनी मात्रा में इतनी आएगी, ये बेदम है, ये दमदार है, वो कर लेंगे, या तानों के ये प्रकार होते हैं वो उनको पता है, लेकिन गले से वैसे नहीं निकलते हैं, उन्हें पता है कि ये सपाट तान है, ये वक्र तान है, ये दानेदार तान है, ये गमक की तान है, लेकिन उनके गले से नहीं निकलेगी। तो शास्त्र और क्रियात्मक दोनों का बैलेंस होता है तो आदमी ठीक कर पाता है। तो इस पर आप बताएं कि क्या बिना शास्त्र के भी क्रियात्मक पॉसिबल है, नहीं करें अगर शास्त्र का इतना नॉलेज नहीं हो तब भी वो क्रियात्मक अगर गा रहा तो क्या ये ठीक है या करना चाहिए कुछ? नहीं, शास्त्र का ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। शास्त्र का ज्ञान कैसे लेना पड़ेगा, आप गा रहे हो तो वो शास्त्र में जो है वही तो गा रहे हो, वही तो गा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल पे ही तो थ्योरी लिखी गई है वो, तो फिर तो गुरु आपको बताएगा तो भले ही गुरु आपको ये कह नहीं रहा है कि ये क्या चीज है लेकिन बता तो शास्त्र से ही रहा है ना, तो इसलिए वो शास्त्र के बिना तो वो कुछ है ही नहीं। अगर आप ये सोचो कि अगर शास्त्र को पूरा हटा ही दो ऐसे ही गाएंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, क्या गाओगे? तो वो है तो शास्त्र से ही है सब कुछ, है ना। तान बता रखी है तो शास्त्र में जो बताया है कि तान इस तरह से ली जाती है, इतनी ताने हैं, है ना, तो शास्त्र भले ही बने उसी हिसाब से हो लेकिन फिर भी वो शास्त्र और दोनों एक ही तो बात है, है ना। तो शास्त्र में वो है जो आप गाते हो और जो आप गाते हो वही शास्त्र में है, है ना, तो दोनों 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 बात है, है ना। तो उसके साथ शास्त्र तो चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति है उसको मालकोंस गाना है, ठीक है, गुरुजी ने सिखा दिया है, चलो ठीक है, गुरुजी ने इतना सा ही बताया है कि ये स्वर जाते समय लगेंगे, ये स्वर आते समय लगेंगे, है ना, लेकिन क्या इतना ही शास्त्र थोड़ी है, है ना, और भी कुछ होगा मालकोंस में, कैसे क्या लगता होगा, बागेश्री है तो बागेश्री में और भी कुछ होगा। अब बागेश्री में पंचम लगाए गुरुजी ने तो बता दिया, उसमें देखो कि कैसे लगता है पंचम, या और कोई राग हो जिसमें जाते समय कुछ अलग लग रहा है, आते समय कुछ अलग लग रहा है, तो उसको अगर वो उसको जिज्ञासा होगी तो वो शास्त्र को पढ़ेगा, उसमें देखेगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना, तो ये राग बनता है, ठीक है। अपन कल वो देख रहे थे सारंग, शुद्ध सारंग देख रहे थे, अब शुद्ध सारंग और श्याम कल्याण का भेद पता भी तो होना चाहिए। आप अगर आपको नहीं पता है और आप अगर श्याम कल्याण गा रहे हो और उसमें बार बार कर रहे हो सा रे मा रे सा नी, ये तो गलत होगा, सारंग अंग है ये, तो ये सारंग अंग अगर आप उसमें ले रहे हो श्याम कल्याण में तो शास्त्र की दृष्टि से तो आप गलत हो। फिर श्याम कल्याण क्या हुई और शुद्ध सारंग क्या हुई, फर्क कहाँ है ना, तो ये फर्क आप शास्त्र से पढ़ोगे तो आप पता पड़ेगा कि अच्छा ये है। गुरुजी तो बहुत सी, आप गुरुजी के पास सीखने जाओगे तो गुरुजी को बहुत सी बातें ध्यान ही नहीं आती, मेरे को आती ही ना, मेरे को पता है, मैं आज ये सिखा रहा हूँ कि मेरे को ध्यान ही नहीं आता है कि इसको ये बताना है, मुझे ध्यान ही नहीं आता है, तो फिर मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। मान लो ऐसे गुरुजी को ध्यान ही नहीं आ रहा है और वो बता ही नहीं रहा है और वो यूं कह रहे हैं कि अच्छा ये समझ रहा होगा, चलो ठीक है, हाँ ये ऐसे से होता है, इस राग में ऐसे कामोद के अंग से जाएगा, गामरे सा श्याम कल्याण में ऐसे जाएगा, अब ये बता ही नहीं रहे हैं वो समझ रहा होगा, चलो ठीक है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, अगर आपके पास शास्त्र हैं तो आप पढ़ लोगे, देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, तो
होने चाहिए शास्त्र से, दोनों की नॉलेज जरूरी है तभी गायकी प्रॉपर हो पाती है। जैसे अगर आपने तिहाइयां भी है जैसे आप करवाते हैं जब आप राग गायकी सिखाते हैं तो स्टूडेंट को पहले यही चीज का रियाज करवाते हैं कि मुखड़े के अलग अलग प्रकार देख लो पहले, उपज का मामला है लेकिन थोड़ा बहुत रटा हुआ उसमें आप फिर भी बता देते हैं कि ये जो ख्याल है इसका ये अगर मुखड़ा है नौ मात्रा का तो इसको आठ में गा के देख लो, सात में गा के देख लो, छह में कर लो, पांच में कर लो, तो दस में भी करके देख लो, ग्यारह में भी, उसके हर प्रकार देख लो, जब जो सिचुएशन आएगी आपको पता चल जाएगा। तिहाइयों में भी आप ऐसा करवाते हैं कि तिहाइयां अलग अलग बना के देख लो, उस समय जो ध्यान आ गई जो लग गई आ गई है ना, तो वो चीज है कि ये जो शास्त्रगत चीजें हैं यानी थोड़ी रटंत चीजें, ये भी पुराने लोगों को उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे ठीक है, लेकिन वो गाते तो शास्त्रगत ही है ना पूरा, जाहिर है ना, वो वैसा ही गाते ना, कोई राग कैसा है उसको वैसा ही, अच्छा गुरुजी ने उसको सिखाया तो शास्त्र में जैसा है वैसा ही सिखाया, फिर उसने अपने किसी शिष्य को सिखाया तो वैसा ही सिखाया ना जैसा, तो ये परंपरा है वो उसी हिसाब से चल रही, भले ही शास्त्र नहीं पढ़े हो, शास्त्र बाद में बने हो, अब हम पढ़ते हैं है ना, लेकिन पुराने लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन चीज तो वही है जो शास्त्र में बताई हुई है, वो परंपरा से चला आ रहा है तो वो वैसा ही है, इसलिए वो तो दोनों आवश्यक है।